ये बोर्ड लगाया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, भोपाल मंडल भोपाल के द्वारा। और अब हम चल करके उन बौद्ध स्तूप के अवशेषों के दर्शन करेंगे और चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, जानवर तो आते हैं। हाँ। आज आते हैं इधर, बहुत से जानवर आते हैं। नखी जानवर तो हो गया, तल जाए ये सब गिर गया। हाँ। खंडहर हो गया। हाँ। इसके अवशेष निकाल के चले गए बाहर हैं। हाँ। रामबन में है, भटनवारा। हाँ। में है, इलाहाबाद में। अच्छा। है, ये पूरा क्षेत्र स्तूपों का है। अच्छा। जैसे वो जाएंगे तो वो शिकार ग्रह बोला जाता है। अच्छा, उस जगह। हाँ, उसके वो पार तालाब है। हाँ। वो बना हुआ है घर टाइप है बेस उसका, तो शिकार ग्रह की उसको बोलते हैं। क्या वहाँ पे शिकार किया जाता है पहले? जैसे स्तूप में बुद्ध का पूजन होता है। हाँ। जो भिक्षु होते हैं तो चारों तरफ बैठते हैं। हाँ। और बुद्ध जी का नमन करते हैं। तो बुद्ध जी का अवशेष तो यहाँ होगा। हाँ। ये है पर, मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर बुद्ध जी का कुछ है रहा होगा। हाँ। और इन वेदिकाओं के चारों तरफ लोग बैठे रहते हैं। हाँ, इसके अंदर खंड दिखते नहीं है। ये पत्थर उसी काल का है। हाँ, ये पत्थर उसी काल का है। ये पार्ट है ऊपर जो लगते हैं। हाँ। तोरण के ऊपर पार्ट के लिए। और ये कमल का टुकड़ा है, दूसरी जगह है वो जो है। तो ये भाषा लिखी हुई है। अच्छा, ये। हाँ, ये खरोष्ठी लिपि। अच्छा, इसी खरोष्ठी। थोड़ा सा आप आइए। और इस हालांकि अब काफी हद तक जो है तो ये चीजें मिट गई हैं, है ना? मिट गई हैं, पर लोग जी अब तो खरोष्ठी और पाली ब्रह्मणा भाषा है नहीं, इसलिए जानते नहीं है कि क्या चीज है। ये बहुत ऊंचा बना रहा होगा। हाँ। बहुत ऊंचा बना रहा होगा जब बात। तो जितने 84,000 स्तूप बने बाए हैं अशोक सम्राट राजा ने निर्माण किए हैं, तो ये स्तूप बहुत बड़ा है। ये भव्य स्तूप है।